लोग कुछ दिन ध्यान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन मन अशांत रहता है, एकाग्रता नहीं प्राप्त होती। ओशो कहते हैं मन का स्वभाव ही ऐसा है, ना तो यहाँ लगता है ना ही वहाँ लगता है। जहाँ तुम हो और जो तुम्हें प्राप्त है उसमें मन नहीं लगता, जहाँ तुम नहीं हो और जो तुम्हारा नहीं है उसे प्राप्त करने को मन चाहता है। मन के स्वभाव को समझो, ना तो ध्यान काम आता है ना भजन काम आता है, मन के स्वभाव को समझना ही काम आता है। मन की प्रक्रिया बड़ी ही विचित्र है, पद ना मिले तो असंतुष्ट, पद मिल जाए तो असंतुष्ट। गरीब रोता है धन के लिए, अमीर रोता है सुख और शांति के लिए। जो तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास होने के कारण दो कौड़ी का हो जाता है, और जो दूर है, दूर होने के कारण उसका बुलावा मालूम होता है। मन के इस आधारभूत जाल को समझो, मन तुम्हारा है फिर भी तुम्हें ही जाल में बांधता रहता है। ये मन की गलती नहीं है, ये तो मन का स्वभाव है। जैसे बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना और साधु का स्वभाव है जीव की रक्षा करना। भोजन करो तो लगता है उपवास करने वाले पता नहीं किस चीज की प्राप्ति कर रहे होंगे, और उपवास करो तो भोजन की याद आती है। मन पागल है, दीवाना है, और इस दीवाने को समझाना बड़ा ही मुश्किल काम है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। ओशो कहते हैं कि इस दीवाने को बगीचे में बैठाओ तो लगता नहीं, सूखे बंजर भूमि पर ले जाओ तो घबराता है। किसी पागल में और इस मन में देखा जाए तो कोई अंतर नहीं है। ओशो कहते हैं मन से मुक्त होना ही मुक्ति है, मन के पार होना ही स्वस्थ होना है, मन को जीत लेना ही शांति का अनुभव है। मन को समझने की कोशिश करो, लोग मन को समझने की कोशिश कम करते हैं, छुटकारा पाने की कोशिश ज़्यादा करते हैं, और छुटकारा बिना समझे कभी नहीं मिलने वाला। तो सबसे पहले मन को समझो, मन से दोस्ती करो, मन को अपने हिसाब से चलाओ। धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम मन पर विजय प्राप्त कर रहे हो, और यही विजय तुम्हें संपूर्ण सुख और आनंद की अनुभूति कराएगी। जैसे सूरज के उगने पर ओश विलुप्त हो जाता है, ऐसे ही मन का बोध होने पर अशांति विलुप्त हो जाती है। जैसे दिए के जलने पर अंधेरा नहीं पाया जाता, वैसे ही मन का बोध होने पर मन नहीं पाया जाता। तो मन से लड़ो मत, पहली बात। लड़ने का अर्थ ही व्याकुलता है। तुमने आज तक यही सुना होगा कि लोग लड़ के जीत जाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल ही गलत है। लड़ने से किसी की जीत नहीं होती, बल्कि समझ की जीत होती है। लड़ने वाले तो ना समझ है, मन तुम्हारी छाया जैसा है, रोशनी बढ़ाओ छाया मिट जाएगी। जब भजन करो तो मन कहता है ध्यान करो, तब जागने की जरूरत होती है। जब ध्यान करो तो मन कहता है भजन करो, तब जागने की जरूरत है। इस मन की चालबाजियों को समझो, इसकी कूटनीति को समझो। मन बड़ा राजनीतिज्ञ है, ये तुम्हें भटकाए रहता है, तुम्हें ठहरने ही नहीं देता, बस चलने को मजबूर करता है। जब तुम इसकी चालबाजी और राजनीति समझ जाओगे, तब तुम इसके हर एक चाल पर विचार करने लग जाओगे, तो इसकी होशियारी खत्म होने लग जाएगी। इसलिए इस रहस्य को समझो और अपने मन पर नियंत्रण करो। इसकी चालबाजियों को अपनी चालाकियों से देखो, फिर ये समझ जाएगा कि तुम बदल गए हो। अब इसका और तुम्हारा रिश्ता खराब होने लग जाएगा, और ये तुमसे पीछा छुड़ाने लग जाएगा, और तुम स्वतः आज़ाद हो जाओगे, अर्थात अपने मन पर विजय प्राप्त कर लोगे।